जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल-बोल करके, बिना मतलब का बात बोल-बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है। तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाए। जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता है उसको कोई लाभ नहीं है, इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं सब लोगों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ को करके जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। कितने भी विपक्ष वालों ने जब अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि यहां वहां जो गए हैं उनका क्या होने वाला है, उन्होंने कहा है, और कितना भी झूठे नैरेटिव, झूठी अफवाहें फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये झूठे नैरेटिव और झूठी अफवाहें फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकारा है। मौजूद यहां पर सभी नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय सांसद सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को यह प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्वकर्ता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे, और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। मैं यहां इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान, जो यहां पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा सर, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। मैं एनडीए के हमारे साथी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, माय हार्टफेल्ट विशेस ऑन बिहाफ ऑफ जनसेना, आई एम फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर सडन 2014 इन द सेम प्लेस। ऑनरेबल चंद्रबाबू नायडू जी सेड वी वांट टू सी मोदी जी to rule this country for 15 years, and it's happening, sir.
Chandrababu ji, your prophecy came true. Modi ji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. The mighty Himalayas will never bow down like that. Under your leadership, Bharat will never bow down. And we really take pride under your leadership, to work under your leadership, sir. We really take pride. And from Kashmir to Kanyakumari, Kamachi to Dwaraka, and you have inspired everyone, sir. You have inspired everyone. We all rally behind you. We all rally behind you. The way you have triggered us to serve the nation, the kind of patriotism you have instilled in us by your actions, by your words, by your deeds, and the kind of development you had shown us in the progress. And sir, I'm deeply honored, and for listening to us, for looking at Andhra Pradesh, under your guidance, under your support, we are able to sweep the polls. We got 91% victory there. We got completely in legislature, we had 91% success. It's all because of your guidance, it's all because of your leadership, sir. I'm grateful to you, we're all grateful to you. On behalf of Janasena Party, I support Sri Narendra Modi ji as the leader of the NDA Parliamentary Party. To all the eminent senior parliamentarians and the new parliament members, I wish you very best. To honorable senior leaders and NDA partners, to you all, my heartfelt namaskars to you, sir.